देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के शौरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपना दल के विधायक चौधरी अमर सिंह ने बागी तेवर दिखाते हुए अपने क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा गरीब जनता पर की गई कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। वहीं विधायक का साफ तौर पर कहना है कि अगर इस सरकार में हमारी नहीं सुनी जाती है तो हमारा सरकार में रहने का क्या फायदा। आपको बता दें कि अपना दल भाजपा का सहयोगी दल है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भाजपा को समर्थन कर रही है। मतलब मेरे जनपद में मुझे कहते हुए एकदम आपसे कोई संकोच नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। ये बातें उच्च अधिकारियों को बता भी दी गई है, कोई संतुष्ट नहीं है। कहा यहाँ जिले सिद्धार्थनगर में पुलिस प्रशासन को लेकर, इनकी व्यवस्था को लेकर के जब सब जान पाया तो मैं यहाँ को लोगों को सांत्वना देकर गया कि सवेरे मैं आता हूँ, फिर यहाँ अधिकारी आएंगे। डीएम साहब को मैंने कहा अभी सवेरे आइए, देख लिए दुकान टूटी है, सामान टूटा है, लोगों का फर्नीचर टूटा है, लोगों का मोबाइल गायब हो गया था। तो उन्होंने कहा कल सवेरे हम लोग पहुंचेंगे, इतने टाइम तो 2 बज गया विधायक जी, और सवेरे इसकी जांच की जाएगी। किसी को थोड़ा बैठे, लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके प्रमुख सचिव जी से अपने कुछ नेताओं से अवगत करा दिया है कि अगर जांच में पुलिस के अधिकारियों से खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं विपक्ष में बैठना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसी सरकार बनाना पसंद नहीं करूंगा। मैं कह दूं अभी हाथ पैर टूट गया खेसराहा में पुलिस वाले का, वीडियो का कोटे के बैठक को लेकर के, तो वहाँ मंत्री जी से पूछ पूछ करके कार्रवाई हो रही है। और एक विधायक अगर सहयोगी दल का अपना दल का विधायक है तो उसके विधानसभा में उस विधायक को बदनाम करने के लिए कप्तान से लेकर सीओ से लेकर पटवार तक तांडव मचा रखे हैं, कमजोर समझ के, सहयोगी दल समझ करके। तो अगर ऐसा न्याय नहीं मिला हमको, अगर इन सबके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, अगर इनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया, तो मैं विपक्ष में बैठना पसंद करूंगा, ऐसी सरकार में रहना पसंद नहीं करूंगा। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।